खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में जिला चिकित्सालय जन स्वास्थ्य रक्षा ने कहा कि सालों में संघर्ष करने के बाद अब बीजेपी सरकार हमारी मांगों को पूर्ण करने के लिए विश्वास दिला रही है। दयाशंकर सिंह बीजेपी उपाध्यक्ष ने बताया कि इनकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोटवा के अध्यक्ष सीजी सिंह, क्या मामला है? हम लोग जन स्वास्थ्य रक्षक आज तक संघर्ष करते रहे और संघर्ष करने के बाद सरकार ने हम लोगों की आवाज को सुनी। क्या आपको उम्मीद है तो आपको बहाली हो जाएगी? उम्मीद क्या करें, हम लोगों की बहाली हो चुकी है। मतलब मांग चलते हैं, बहाली में किन किन का साथ था आपका? बहाली कराने में किनका योगदान था? ये हमारे भाजपा सरकार की देन थी। पर्ची अपना बता दीजिए, पर्ची अपना बताइए। दिनेश मौर्य, जन स्वास्थ्य रक्षक जिला बलिया। आज जिला अस्पताल में आप लोग आए हुए हैं, क्या मामला है? मामला ये तो हर 20 तारीख को हमारी मासिक मीटिंग होती है, लेकिन होली के वजह से हमने 2-3 दिन पहले कर दिया। 18 तारीख में ये मीटिंग कर दिया कि मान लीजिए कि होली के वजह से लोग परेशान करेंगे, आप लोग परेशान ना हो। और रह गया आगे के बाद की जो हमारे जन स्वास्थ्य रक्षक की प्रक्रिया चल रही है। मैं प्रदेश संयोजक राम जी पांडे। क्या मामला है आज? आज हमारे जनपद की मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग में अपने जनपद के होने के नाते मैं अपने भाइयों को जो हम लोगों के काम की प्रगति हुई है या काम हुआ है उसके विषय में बताना था, और मैं बताया लोगों को ये हम लोगों काम हो गया है, हम लोगों काम से संतुष्ट हैं। हमारे भाई जो मीटिंग में आए हैं उन लोगों को ही संतुष्ट मैंने किया। क्या आपको उम्मीद है तो आपको बहाली हो जाएगी?